presents Bear Music. आया सोई जाएगा राजा रंक फकीर, बाकी सब झूठ हो सकता है, ये बात कभी झूठ नहीं हो सकती सजनों। आप तो सब भजन गाने वाले सुनने वाले सभी कलाकार बंधु हैं। मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आपके समक्ष बात रख रहा हूं कि इस दुनिया में जो आया है उसको एक दिन जाना पड़ेगा, ये सत्य है। बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, बड़ा होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, बच्चा बड़ा हो गया वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, यदि वो पढ़ लिख लेवेला पूरी नौकरी लागेला कि नहीं लागेला इरी कोई गारंटी नहीं है, नौकरी लाग जावेला तो छोकरी मिलेला कि नहीं मिलेला इरी भी गारंटी नहीं है, लेकिन वो मरेला पटको ये गारंटी मेरे पास भी है और आपके पास भी है। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। घर में के बाहर में के कोरडी किमार में के सोने की साल में के सुतोई संगारे गो, चोरी में के जारी में के ताप हो तिजारी में के बाघ हो की बाड़ी में के बावड़ी में डारे गो, शुद्ध हूं के बुद्ध में के वाद हूं के विवाद में के लहू की कढ़ाई में के छार कर डारे गो, कहते ईश्वर दास इस जीवन की झूठी आस क्या जानो दीना नाथ तू कैसी भांति मारे गो, मरेंगे पक्का लेकिन महाराज की बात रिठा को नहीं, मरा कद की कर मरा एक्सीडेंट में मरांक, कटी कोई जेर खान मरांक, कटी कोई ऊपर हेटा पड़न मरांक, कटी कोई नींद में मरांक, जागता मरांक, बाता करता करता मरांक, भजन गाँवता गाँवता मरांक, चालता चालता इसकी कोई गारंटी नहीं है। तभी संतों ने बड़ी सुंदर बात लिखी भाई, आया सोई जाएगा राजा रंक फकीर, कई सिंहासन चढ़ चलिया कई बांध जंजी, अरे इन तो आंगनिया में कई नर खेलने आया, कई नर खेलने आया, कई खेलने कई कई खेल सिराया, इन तो अगड़िया में पर ध्यान देना, तीन गुणारी दाता जो पड़ी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का ये शरीर है, लेकिन संतों ने क्या कहा ये, अरे ये तो निस दीने झूठी, अरे आत्म निस दीने झूठी, नैने हमारा यो जुड़े, अरे जैसे गागर फूटी, अगड़िया में सखी खेल आया
शरीर की रचना शीति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा आवोनी पांची सये शिवोनी मेरा चोला शिवोनी मेरा चोला मैं हूँ ज्ञानी अरे सायब मेरा भोला ये सायब मेरा भोला इन तो अंगनिया में सकी आया परवाना मोटे राम का एक बात तय हो गई हम सबको यहां से जाना है बात पर ध्यान देना एक दिन हम सब इस दुनिया को छोड़ के बाप जी भी चले गए शास्त्र बाहु स्कंद जरासंध शिशुपाल काल कलेवा कर गया बड़े बड़े भोपाल रावण सरीसा राव सब तिरलोकी शेर करी पर एक ना बढ़ियों उपाव चलती बेड़िया चकरिया उसको भी जाना पड़ा जिस रावण से ये दुनिया ये कायनात ये ब्रह्मांड ये पृथ्वी ये विश्व ये संसार जिस रावण से डरता था उस रावण को भी जाना पड़ा इसीलिए तो कहा है तेरी मेरी मेरी तेरी में तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी मेरी तेरी में जीवन जाएगी मितवा तेरी मेरी मेरी तेरी में जीवन जाए हित मितवा ना जाने कब निकलेगा दम तू गाले प्रभु हित मितवा ना जाने कब निकलेगा दम तू गाले प्रभु हित मितवा तेरी 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 मेरी में ये अटल सत्य और एक बात आज इस मंच पर और मैं बता देता हूं कि मैं कोई इतना बड़ा कलाकार नहीं हूं भगवान की कृपा से गजेंद्र जी राव साहब कालू राम जी बिखरनिया अनिल जी सेन इन कलाकारों की बदौलत से आज इस मंच पर मुझे गाने का मौका मिला है और आज मैं धन्य हो गया इसलिए आप इतनी भीड़ के बीच गा रहा हूं इसलिए धन्य नहीं हो गया हम जब यहां से जाएंगे मेरी बात पर ध्यान देना मेरा जो कहने का मकसद उस पर ध्यान देना हम जब इस दुनिया से छोड़ के जाएंगे हमारा जैसा कर्म होगा उसी हिसाब से हमें जगह मिलेगी हो सकता हम यमपुरी में ही चले जाएं क्या गारंटी मान लो यमलोक में चला जावा तो खड़ा कर ये भैया सुखदेव मोटा मोटा हिंगड़ा रहा यमदूत खड़ा मासा क्या कर्म किया ऐसा भजन गाया वो तो पेट भरे वास्ते गया कोई और को छोक छोको काम करियो ऐसा वो तो गाय री सेवा वास्ते कथा करी और कुछ कोई विशेष काम बोले साहब विशेष काम एक बार बाप जी री सत्संग में भजन गायो कौन से बाप जी रामन्यास जी राव के रामन्यास जी राव के सत्संग में तूने भजन गाए बोले हाँ अरे साहब के लिए ठंडा लेके आओ इधर आओ ऊपर आप बाप जी के आदमी हो अरे इधर आओ नीचे गाय के लिए बैठे अरे ये तो सूरज में जाने वाला आदमी इसको यहाँ गाय के लिए लेके आ गए जो बाप जी के सत्संग में जाकर के जिसने भजन गा दिया ऐसे है इस राजस्थान के
जिन्होंने भगवान के नाम का प्रचार प्रसार या तो हमारे नरसिंह जी मेहता ने प्रचार किया था या हमारे रामन्यास जी राव ने इस राजस्थान में भगवान के नाम का प्रचार किया। जो दादा हाथ उठा करके बजा दीजिए ताली। और सभी कलाकारों को कहूंगा जो आज यहाँ आए हैं सीधे स्वर्ग में ही जाने वालों भगवान की पास, क्योंकि हम बाप जी की फौज है, बाप जी की फौज करेगी। ऐसा नहीं, दोनों हाथ उठा करके बाप जी की फौज करेगी। धन्यवाद। और आया परवाना मोटे श्याम का, आया परवाना मोटे श्याम का, ओ आया आया परवाना मोटे श्याम का, ओ ल्याई उतारिया चानने चोक में, अरे साथीड़ा पैसी खाया ल्याई उतारिया चानने चोक में, अरे साथीड़ा पैसी खाया तो साथी ना खारे करा जाओ, अरे मैं तो हो यारे पराया, ये मैं तो हो यारे पराया, इन तो अगणिया में सकी। बड़े बड़े सहसा, बड़े बड़े सुरवीर। हेलो, अपने बीच में है जो मेरे पिताजी के साथ में सबसे ज्यादा जिन्होंने संगत की थी, आज मजंदी द्वारका इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पूनम जी द्वारका अपने बीच में आए, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोग अभिनंदन कीजिएगा उनका। चलो भैया, जो आया है वो जाएगा, बस इसी पॉइंट पे ध्यान देना। प्रथम पुत्र धर्मराज धर्मसूत्र ती बोले तोले, कोई सोचता कि मैं थोड़ी जाऊंगा, अरे हम और आप क्या है, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े बादशाह, जिनके नाम का डंका बजता था, सजनों वो इस दुनिया से चले गए। प्रथम पुत्र धर्मराज धर्मसु धरती तोले, द्वितीय भीम बलवान 80,000 गज ताकत तोले, तृतीय अर्जुन अगजीत बाण लाखों पर एका, सत्सु पुत्र सहदेव वेद चारों री रेखा, नकुल सहित पांचों हुए बे हस्तिनापुर ताई अटे वेताल, कहे सुन विक्रमा कहो पांडु गया कथे। इसलिए कहते हैं कि भाई इन तो अंगड़ियों में सही, अरे कई नरके लड़ाया, कई नरके लड़ाया, कई जाने कई के सिराया, कई के सिराया, इन तो अगणिया में सकी। आया परवाना मोटे श्याम का, ये सत्य अठे रहना नहीं भाई, ये संत हमारे नागौर जिला में हुए काजी मेहमान सा, हम तो हिंदू हैं, राम राम करना ही चाहिए, करना पड़ेगा, ये मुसलमान है, या अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इलाहा रईस अल्लाह वजूद अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह, जो कलमे पढ़ने वाले कुरान पढ़ने वाले, उन्होंने ये संदेश लिखा कि भाई आया परवाना मोटे श्याम, अरे अठे रहना नहीं, ओ अठे रहना नहीं भाई, काजी मैं मन सारी लीन, ये संता सही कर लेना, ये संता सही कर लेना, इन तू अगरिया में सके, कई नर के लड़ आया, वो कई नर के लड़ आया,
जाने गई के गई के ले सिदा गिन तू अंगड़िया में सकी गिन तू अंग